हेलो एंड वेलकम टू माय किचन माय डिश। दोस्तों आज हम आपको छोले की रेसिपी बताने जा रहे हैं। इसके लिए हमने कुछ सब्जियां काटनी हैं। ये टमाटर इस साइज़ के, ये मीडियम साइज़ के 5 टमाटर हैं, ये मीडियम साइज़ के 3 प्याज हैं, 2 हरी मिर्ची और 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का है। इन सब चीज़ों को हम काट लेंगे। प्याज को बारीक काटेंगे, टमाटर को बारीक काटेंगे, कुछ मोटे काटेंगे, हरी मिर्च को बारीक काटेंगे और अदरक के कुछ जूलियंस काटेंगे और बारीक काटेंगे। ये देखिए ये टमाटर आ गए। हमने 4 टमाटरों को बारीक काटा है और 1 टमाटर को मोटा कट किया है। ये 2 प्याज को हमने बारीक काटा है और 1 प्याज को हमने थोड़ा मोटा काटा है। ये मोटे टमाटर कटे हुए हैं। हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक काट लिया है। ये अदरक के जूलियंस काटे हैं और ये अदरक को बारीक कट किया है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करते हुए हम आपको छोले बनाना बताएंगे। छोले के लिए हमने काबली चने रात भर भिगो लिए थे, आधा किलो काबली चने। ये आधा किलो काबली चने हमने रात भर भिगो लिए हैं, अच्छी तरीके से भीग गए हैं। कुकर प्रेशर को हमने गैस पे रख दिया है। इसमें हम ये 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, करीब 100 ग्राम्स है। ऑयल गरम होने के बाद हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच जीरा डालेंगे, खड़ा जीरा डालेंगे। ये खड़ा जीरा 1 चाय के चम्मच से थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो छोले आधा किलो हैं और बहुत सारा छोले बनने वाला है। ये बारीक प्याज को भी हमने डाल दिया, ज़ीरा चटक गया है। इसके अंदर बारीक प्याज को डाला और बारीक कटी हुई टमाटर को डाला। ये बारीक कटे हुए अदरक को डाला और ये प्याज और टमाटर, हरी मिर्च और अदरक के जूलियंस हमने बचा लिए हैं, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखना। ये ऑयल के अंदर ये प्याज, टमाटर, अदरक आ गए और इन्हें हम अच्छी तरीके से फ्राई कर रहे हैं, सॉटे कर रहे हैं। फ्राई क्या कर रहे हैं? सॉटे कर रहे हैं और इन्हें बिल्कुल ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना है। आप ध्यान दीजिएगा, ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना है, लाइट पिंक होने तक बस, जब तक कि वो प्याज और टमाटर नरम हो जाए। जैसे ही वो नरम हो जाएंगे हम उसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करेंगे। ये 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसे भी भूनेंगे। हल्दी 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक स्वादानुसार हमने 2 चाय का चम्मच डाला है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से भूनेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम इस मसालों को पकने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून हमने ऐड कर दी, इसे भी भूनेंगे साथ में। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि फिर मसाला भूनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर पानी ज़्यादा डाल देंगे तो मसाला देर से भुनेगा और अगर कम डालेंगे तो मसाला जल जाएगा। तो थोड़ा सा पानी, मतलब 2 टेबल स्पून के जितना पानी हमने ऐड किया, मसाला भून लिया। अब इसके अंदर हमने ये भीगे हुए छोले डाल दिए, इन्हें अच्छी तरीके से चला देंगे। 1 ग्लास पानी इसमें हमने ऐड कर दिया। आप ये देखिएगा कि हम छोले को मसाले के साथ पका रहे हैं, हमने छोले को अलग से उबाला नहीं है। प्रेशर कुकर बंद कर देंगे और इसे 10 सीटी लगाएंगे। 10 सीटी से मतलब 10 मिनट,
10 मिनट तक इसे तेज़ आंच पर पकने देंगे। प्रेशर कुकर ठंडा हो गया और अब हमने इसे खोल लिया है और हम इसे चेक करेंगे चने ठीक से गले हैं या नहीं। चने बिल्कुल आराम से गल गए हैं, बहुत अच्छे गल गए हैं। पानी भी इसमें का काफ़ी कुछ सूख गया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे एवरेस्ट का छोले मसाला 2 टेबल स्पून। ये बहुत ही स्पेशल मसाला होता है। इस मसाले को ऐड करने से इस छोले में बहुत अच्छी शानदार खुशबू आ जाती है। और ये मोटे कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे यहाँ पर, ये जूलियन अदरक के, और ये हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, और ये प्याज थोड़े से मोटे कटे हुए। इन सब चीज़ों को इसके अंदर डालकर मिक्स करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करेंगे। इसमें थोड़े से कसूरी मेथी और ऐड करेंगे। ये कसूरी मेथी हमने अपने घर में बनाई है। पानी ऐड किया हमने 1/2 गिलास। कंसिस्टेंसी अभी इसकी ठीक नहीं हुई है। 1 गिलास पानी और ऐड किया हमने। टोटल मिला के 1.5 गिलास पानी हमने इसमें ऐड किया है। कंसिस्टेंसी इसे हमारी मनचाही कंसिस्टेंसी आ गई है। अब हम इसे 6-7 मिनट तक पकाएंगे। 2-3 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाएंगे और 5 मिनट तक स्लो आंच पर पकाएंगे। ये देखिए हमने 7 मिनट तक इसे पका लिया और ये पक के रेडी हो गया है। मनचाही कंसिस्टेंसी आ गई है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल रहे हैं। हमने इन्हें सर्विंग बाउल में सर्व करने के लिए निकाल लिया है। बहुत शानदार खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी छोले बने हैं। इसे गार्निश किया हमने कसूरी मेथी और कोतमीर और अदरक के जूलियन से। ऊपर से गार्निश करेंगे हम इसे प्योर घी से। और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे आप पराठों के साथ, चपाती के साथ, पूरी के साथ, और स्पेशली आइडियल है ये भटूरों के साथ और राइस के साथ। बहुत टेस्टी छोले बन के तैयार हुए हैं। आप भी अपने घर में बनाइए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ट्विटर और फेसबुक पर हमसे कॉन्टैक्ट में रहिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।